और भाई क्या हाल है। तो यार न्यू रैंक सीजन 22 मार्च को आने वाला है एंड शायद से आ भी चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे। तो करना क्या है, इस वीडियो में मैं तुम लोग को 6 टिप बताने वाला हूँ जो कि आपको ग्रैंड मास्टर जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बस इन 6 टिप को सुनना है, समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। अभी जब खेलोगे रैंक सीजन आने के पहले जब खेलोगे तो उसमें इम्प्लीमेंट करना है, या फिर जब तुम रैंक पुशिंग कर रहे होगे तब इम्प्लीमेंट करना है। बस ये 6 टिप, अगर ये 6 टिप फॉलो करते हो तो भाई तुम किसी भी एनिमी के सामने, कोई भी अच्छा बंदा आ जाए, हार्ड लॉबी आ जाए, तुम घबराओगे नहीं और आराम से उस राउंड को निकाल लोगे। तो क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है एंड शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आई एम उत्कर्ष एंड यू वाचिंग उत्कर्ष एफएफ YouTube चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 टिप बताने वाला हूँ। बस आपको सिंपली सी ये 6 टिप को सुनना है, समझना है एंड देन अपने गेम प्ले पे इम्प्लीमेंट करना है सिर्फ 7 डेज ओनली, ठीक है। अभी भी रैंक सीजन आने में थोड़ा सा तो टाइम है, तो उसमें भी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने गेम प्ले पे देन आपके गेम प्ले में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। एंड इसे अपने टीममेट्स के साथ भी शेयर कर देना जो कि आपके साथ खेलते होंगे या फिर जिनके स्क्वाड में आप खेलने जा रहे हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। टिप नंबर 1 है हमारा, ऑलवेज बी अ ग्रेनेडर। तो यार देखो, अगर आपके पास कोई स्क्वाड है और अगर आपके पास स्क्वाड नहीं है तब भी आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप एक अच्छा ग्रेनेड कर सको। और आपको बीस्टन पेट का यूज़ हमेशा से करना है। तो देखो, पेट का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता हमारे क्लैश स्क्वाड में, तो उसमें एक ही पेट फ़ायदा देता है सबसे ज़्यादा, जो कि होता है बीस्टन। एंड अगर आप बिना अलवारों के भी बीस्टन पेट का यूज़ करते हो तो भाई तो लंबा जाएगा ही ना यार, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको अच्छा सा नेड करना आ गया तो भाई आप ना एकदम ऑलराउंडर प्लेयर बन जाओगे एंड आपके सामने कोई भी एनिमी रहेगा आप उसे इजीली मार पाओगे जिस तरीके रहे हो बैकग्राउंड में, ठीक है। सो इसलिए आपको ग्रेनेड की प्रैक्टिस पहले से ही कर लेनी है एंड आपको ग्रेनेड में भी थोड़ा सा परफेक्शन लाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। बस हाँ, ग्रेनेड को सही टाइम पर कुक करके मारना आ जाए उतना काफ़ी है। टिप नंबर 2, ऑलवेज बी अ रशर और एसॉल्टर। अब देखो यार, इसमें मैंने दो बातें बोली, रशर और एसॉल्टर। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको या तो रशर होना है या तो एसॉल्टर होना है। अगर आप शॉर्ट रेंज अच्छा नहीं खेल पाते हो या फिर आपका मोबाइल ही सपोर्ट नहीं करता है शॉर्ट रेंज में फ़ाइट लेने के लिए, तो यार ऐसे में क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग रेंज की फ़ाइट ले सकते हो। अब लॉन्ग रेंज के लिए आपको सबसे पहले तो एक अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए और अच्छा गन। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास हो जाती है एंड आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो देन बिलीव मी, आप लॉन्ग रेंज से अपनी टीम को बहुत ही खतरनाक वाला कवर दोगे जिस तरीके से आप बैकग्राउंड में गेम प्ले देख ही रहे हो, ठीक है। सो सिंपली से ये कर लेना है अगर आपका शॉर्ट रेंज अच्छा नहीं है या फिर आपका मोबाइल थोड़ा कम रैम का है। अगर आपके पास एक अच्छा फोन है देन तुम तबाही मचा सकते हो, बस थोड़ा सा मेहनत कर लो हेडशॉट पे। तो जितना भी अभी मैंने टिप्स बताया ना, ये सारी बहुत ही छोटी टिप्स है बट बहुत ही मैटर करती है भाई पूरे गेम प्ले में। एंड तुम्हारा गेम प्ले इसी से डिसाइड होता है कि भाई तुम उस राउंड को विन करोगे भी कि नहीं। अब जो बताने वाला हूँ वो टिप तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, राउंड स्टार्ट होता है, राउंड स्टार्ट करने के बाद क्या करते हो तुम, सीधे रश तो करते नहीं हो तो तुम्हें एक पोजीशन पकड़नी होगी। बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई कैसे तुम एक अच्छे पोजीशन को पकड़ सकते हो जिससे कि तुम किसी भी एनिमी को निपटा सकते हो बहुत ही ईजीली। सो यार देखो, तुम्हें सबसे पहले कुछ ऐसे जगहों पर जाना होगा जहाँ पर परमानेंट कवर हो, उसी के साथ में अगर तुम वहाँ से किसी भी एनिमी को देखना चाहो तो बहुत ही ईजिली देख सकते हो। और वहाँ से ना पूरे मैप में जो आपके सामने दिख रहा है उसका पूरा अच्छा खासा व्यू होना चाहिए। मतलब अगर कोई एनिमी इधर से उधर जा रहा है, कवर से दूसरे कवर में जा रहा है, तो वहाँ पे आपको एनिमी दिख जाए, ऐसे जगह पे आपको कवर पकड़ना है एंड पोजीशन पकड़ना है। अब कवर एंड पोजीशन पकड़ने के बाद तुम्हें एनिमी को स्पॉट करना है, वहाँ पे खड़े ही नहीं रहना, एनिमी को स्पॉट करना है। अब देखो, एनिमी मिले तो लॉन्ग रेंज गन से निपटाओ, नहीं मिल रहा है तो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि करना है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं अपने डायमंड्स को कैसे यूज़ कर रहा हूँ एंड अपने गन को कैसे लेवल 4 पे अपग्रेड कर रहा हूँ। अगर तुम भी इस तरीके से डायमंड लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जहाँ से मैंने खुद डायमंड्स को लिया है। अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे विंजो ऐप के बारे में, विंजो ऐप में काफ़ी ज़्यादा गेम्स है और यहाँ पे आप बहुत ही ईजी गेम्स को भी खेल सकते हो जैसे कि लूडो, शिप बैटल, बहुत ही ईजी गेम्स है यार, बहुत ही आसानी से तुम इन गेम्स को जीत सकते हो एंड जीते हुए पैसे को ना तुम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो विंजो स्टोर में जाके। यहाँ पे आपको फ्री फायर डायमंड के खरीदने का ऑप्शन भी मिलता है जहां पे तुम बहुत ही सस्ते में डायमंड खरीद सकते हो एंड जो भी तुम्हें डायमंड खरीदना है जस्ट क्लिक करो एंड पे कर दो एंड तुम्हारे अकाउंट में डायमंड चला जाएगा। तो यार यहीं से मैंने भी डायमंड्स को लिया था एंड आप भी यहीं से ले सकते हो। सबसे एक्साइटिंग बात विंजो ऐप की यह है कि अगर आप इसे डाउनलोड करते हो तो आपको
तुरंत में बोनस मिलेगा जो कि 550 रुपीज तक का होगा। एंड उसी के बाद अगर आप इसे रेफरल करते हो, मतलब अपने दोस्त को भी सजेस्ट करते हो कि भाई आप भी डाउनलोड करो, तब आपको 100 रुपया मिलेगा। तो यार तुरंत डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड डायमंड खूब सारे खरीद। अब कभी कभार सीन क्या होता है कि भाई कुछ बंदे ना बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव मार देते हैं। अब जैसे तुम समझ लो पोंचिनॉक को या फिर कोई भी तुम जगह को इमेजिन कर लो जहाँ पे बंदे को फाइट करना हो, तो भाई वो शॉर्ट रेंज में ही पॉसिबल होती है। लॉन्ग रेंज में मरने का चांस ज़्यादा होता है, सभी को पता है, बट शॉर्ट रेंज में पास में आके ही फाइट हो सकती है, वरना नहीं होती फाइट। ऐसे प्लेसेस को इमेजिन करो। अब मैं पोंचिनॉक को एज अ मान रहा हूँ, ठीक है। सो वहाँ पर क्या सीन होता है ना कि अगर लॉन्ग रेंज में बंदा ओपन में है तभी आप उसे मार सकते हो, वरना भाई जब तक जोन छोटा नहीं होगा तब तक तुम उन्हें मार नहीं सकते और वो भी तुम्हें नहीं मार सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको भी करना है सर्वाइव। अब सर्वाइव करने के साथ साथ आपको रिसोर्सेज को बचा के रखना है। रिसोर्सेज मतलब आपका मेडिकेट भी आता है, और अगर मेडिकेट की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ बैठे हो एकदम चुपचाप बैठे रहो, ज़्यादा उछलो कूदो मत, वरना एक फटका पड़ेगा ओम का और तुम्हारा मेडिक ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि तुम भाई फाइट नहीं ले सकते। मतलब ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि लोगे ही नहीं, लोगे ज़रूर, बट मरने के चांस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि भाई हीलिंग के लिए कुछ नहीं रहेगा ना। तो ऐसे में क्या करना है, सर्वाइव करना है एंड अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना है, पोजीशन को होल्ड करके रखना है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट टिप यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, अब रिसोर्सेज तुमने बचा लिए, सब कुछ हो गया, नया जोन बन जाता है, छोटा जोन जो बन जाता है, अब वहाँ पे क्या करना है, जोन का वेट करना है। अब होल्ड करके जोन का वेट करना है और तब तक वेट करना है जब तक जोन छोटा होता नहीं है। जैसे ही जोन छोटा हो जाए, अब जैसा कि मैंने बोला था फर्स्ट टिप में कि भाई आपको एक ग्रेनेडर ज़रूर से रहना है एंड आपके हर एक टीममेट को ग्रेनेड करना आना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही जोन छोटा होगा, जहाँ से एनिमी निकलेंगे वहाँ पर आप चारों लोग 4 ग्रेनेड लेके, अगर एक एक भी किसी का फूटता है और डैमेज हो जाता है एनिमी, आप उन्हें रश करके बहुत ही इजीली मार सकते हो। अभी ये गेम प्ले देखो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। सो बस ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो ना, देन बिलीव मी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी हर एक राउंड को विन होने में। एंड हर एक राउंड विन करोगे तभी बुया ले पाओगे, एंड बुया लोगे देन तुम्हारा ग्रैंड मास्टर लगेगा, ठीक है। बस आपको कंसिस्टेंस रहना है एंड लगातार पुशिंग करना। अब बात करते हैं कुछ बेसिक टिप्स की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती ही है और बहुत ही बेसिक टिप्स हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, विदाउट स्क्वाड आप लोग ग्रैंड मास्टर नहीं लगा सकते। भाई रैंडम में ना जितनी बार जाओगे उतनी बार माइनस खाओगे, तो समझ में आ जाएगा भाई तुमसे ना हो पाएगा ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो एक स्क्वाड तो चाहिए रहेगा, और स्क्वाड में ना अकेला बंदा मैच नहीं जीता था ब्रो। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है, अपने काम को डिवाइड कर देना है। मतलब दो बंदा शॉर्ट में खेलेगा या फिर दो बंदा लॉन्ग में खेलेगा, ऐसा ही कुछ। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहला चीज़, आपको एक बंदा लॉन्ग रेंज में कवर देने वाला होना चाहिए। एंड बिलीव मी हम लोग जितना भी रैंक पुशिंग कर रहे हैं, अभी मेरा 100 स्टार तो है, ठीक है। तो जितना भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, तो जो भी अच्छी टीम आती है ना, उनमें एक बंदा ग्रेनेडर होता है जो कि बहुत खतरनाक ग्रेनेड करता है, उसी के साथ में एक बंदा लॉन्ग रेंज पे कवर दे ही रहा होता है। एंड बाकी के दो बंदे होते हैं ना, उनका शॉर्ट रेंज अच्छा हो या ना हो, बट ये जो दो बंदे ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं ना ग्रेनेड से और लॉन्ग रेंज से, भाई उनका सपोर्ट से ये जो दो बंदे बचे होते हैं शॉर्ट रेंज के लिए, वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं एंड राउंड को बहुत ही ईजिली निकाल लेते हैं यार। एंड सामने वाले बंदे डर जाते हैं, भाई हम लोग खुद डर जाते हैं जब ऐसी टीम सामने आती है, ठीक है। सो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ये स्ट्रैटेजी भी अगर अपनी टीम में डेवलप कर लेते हो, देन बिलीव मी बहुत ही ईजिली राउंड निकाल। कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अब देखो यार, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के लिए हमेशा से मैंने ऑलरेडी बना दिया है कि भाई कौन कौन से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए रहेगा और कैसा कैसा तुम सेट कर सकते हो। बट ये रैंक सीजन में तुम्हें कुछ नया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, बिकॉज ओबी अपडेट भी है ना बीच में। सो इसलिए कुछ कैरेक्टर्स में अपडेट होगा, चेंजेस होंगे, किसी को बफ देंगे, किसी को डाउन कर देंगे। सो इसलिए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर अभी वेट करो एंड स्टिक टू आवर चैनल। मैं तुम्हें बताऊंगा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर क्लैश स्क्वाड फॉर ग्रैंड मास्टर पुशिंग। एंड एक गन जो कि फ्री फायर में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इस टाइम पे क्लैश स्क्वाड में मिलती भी है, और अगर ये गन भाई तुम यूज़ करना सीख गए तो बहुत खतरनाक मार पाओगे। सामने गेम प्ले है, फटाफट से देख लो किस तरीके से ये गन बहुत ही कम यूज़ होती है, एंड जो बंदा इसे अच्छे से यूज़ करना जानता है वो सामने वाले को बहुत ईजिली मारता है, बहुत ही
इजीली। और इस गन का नाम तुम लोग बताने वाले हो, क्योंकि अगर इस गन का नाम तुम लोग बताओगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत ही ज्यादा अच्छे से बैठेगा। चलो अब इस गन का नाम फटाफट से कमेंट में लिखो। हम आ चुके हैं वीडियो के एंड में, एंड हो चुकी है वीडियो खत्म। ठीक है तो यार तुम्हें बस दो चीजें करनी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है एंड कमेंट में बताना है कि यार कैसी लगी वीडियो एंड क्या नेक्स्ट टॉपिक दे सकते हो आप लोग वीडियो बनाने के लिए। जिस टॉपिक पे आप बोल दोगे उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी। एंड कुछ वीडियो के बारे में भी बता देना अगर कुछ नया अच्छा लगा हो या फिर कुछ ख़राब लगा हो, ठीक है बस। एंड मन करे तो सब्सक्राइब कर देना, ये तीसरी चीज़ है, बोलना नहीं चाहता था बट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल। Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no